स्पेशल चाय। लेकिन इससे पहले बोलना सीख। तू सिखा दे। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में देखने को मिली बड़ी उछाल, कमाए इतने करोड़। अंतिम फिल्म के रिलीज होने के बाद सलमान ने फर्स्ट डे एक धीमी शुरुआत की थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए सलमान दर्शकों को अपना जलवा दिखाने लगे। आप सभी ये जानते होंगे कि फर्स्ट डे सलमान खान की फिल्म अंतिम ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था, जिसके चलते लोगों को ये लगने लगा था कि इस बार सलमान को एक बड़ी हार मिल सकती है। लेकिन सलमान ने उन सभी की सोच को बदल डाला। हाँ दोस्तों, इन दिनों सलमान खान की फिल्म अंतिम काफी फॉर्म में है। लोगों से मिले पॉजिटिव रिव्यूज और अंतिम फिल्म के चाहने वाले दर्शकों को दूसरे दिन थिएटर्स में खींचने पर मजबूर कर दिया। फिल्म का सेकेंड डे का कलेक्शन फर्स्ट डे कलेक्शन से काफी बेहतर रहा है। सलमान ने सेकेंड डे 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर कमाई में एक अच्छा उछाल किया है। जैसे कि आज फिल्म की रिलीज का थर्ड डे है और हर कोई ये जानना चाहता है कि सलमान का थर्ड डे कलेक्शन कितना रहेगा, तो आपको बता दें कि सलमान तीसरे दिन भी काफी अच्छा कलेक्शन करने जा रहे हैं। फिल्म के तीसरे दिन के कलेक्शन को लेकर बताया जा रहा है कि थर्ड डे सलमान अंतिम फिल्म से 7 से 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर सकते हैं। ये एक हैरानी की बात है, क्योंकि कोविड-19 के बाद अब तक की रिलीज हुई फिल्मों में कमाई दिन ब दिन कम होती जाती थी, और वो भी हॉलीडे के दिनों को छोड़कर। लेकिन सलमान की ये एक ऐसी फिल्म है जो नॉन हॉलीडे के दिनों में रिलीज हुई है, और आने वाले दिनों में ये फिल्म और भी अच्छा कलेक्शन करती जा रही है। फिल्म लोगों को काफी अच्छी लग रही है और फिल्म में आयुष शर्मा का किरदार वाकई काफी तारीफ लायक है। हर किसी ने फिल्म देखने के बाद आयुष शर्मा के किरदार की तारीफ की है। बात रही सलमान की, तो सलमान ने इस फिल्म में एक सिख कॉप के किरदार को निभाया है, जिसने सभी दर्शकों का दिल जीत लिया है। तो आपका क्या कहना है फिल्म के थर्ड डे के कलेक्शन को लेकर, वो हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। स्पेशल चाय पीने से पहले बोलना सीख। तू सिखा।